प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों पर। तो चलते हैं करंट अफेयर्स के सफरनामे की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की गई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, ये 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके तहत होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा को तैयार किया जाएगा। दो स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को हमें पहचानना है। तो इसके हिसाब से जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। दोनों ही स्टेटमेंट प्रधानमंत्री गति मिशन योजना के बारे में सही है। 100 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और 75वां स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2021 को मनाया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने इस मिशन की घोषणा की है कि आगे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के लॉन्च के जो बेनिफिट्स है वो ये है कि सबसे पहला रोजगार की अपॉर्चुनिटीज देश में आएगी, रोजगार के अवसर इस मिशन के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो पूरे भारतवर्ष में एक कनेक्टिविटी बनेगी, पूरे देश को जोड़ने का काम भी होगा और एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, चाहे वे रोड को लेकर हो, रेलवे को लेकर हो या फिर वायु मार्ग को लेकर हो। और इसके साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य भारत के जो मैन्युफैक्चर है वो बन पाएंगे और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में गति आएगी। और जब अर्थव्यवस्था में गति आएगी तो आम आदमी का जो जीवन स्तर है वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री गति मिशन योजना का संबंध जो है आधारभूत ढांचे के विकास से है, ये हमें याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन स्थायी अवसंरचना निर्माण के वित्त पोषण की योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत वर्ष 2022 से लेकर 25 तक के दौरान कुल संपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए का हासिल करने का एक लक्ष्य है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत। नीति आयोग व भारत के वित्त मंत्रालय ने इस योजना के खाके को तैयार किया है। 3 स्टेटमेंट है और इसके आधार पर हमें सही विकल्प को पहचानना है। और प्रश्न के संदर्भ में तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। अवसंरचना निर्माण के लिए फंडिंग का काम करने का ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। 2022-25 तक 6 लाख करोड़ रुपए का कुल जो है धन हासिल करना, करोड़ रुपए हासिल करना है। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने इस योजना को तैयार किया है। इस योजना को असेट मुद्रीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट 2021-22 है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। 2021-22 में स्थायी अवसंरचना निर्माण के लिए वित्त पोषण के लिए वर्तमान में संचालित की जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का एक प्रमुख साधन का काम करेगा। ये केंद्रीय बजट 2021-22 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका शुभारंभ 23 अगस्त 2021 को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया भारतीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। इस पाइपलाइन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक, यानी कि 4 सालों के दौरान केंद्र सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, जो संपत्तियां हैं, एसेट है, उन एसेट के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण करना, या यूं समझे कि 6 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना इस योजना का एक मुख्य लक्ष्य। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा, भारत सरकार की जितनी भी एसेट्स है, परिसंपत्तियां है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों की, सार्वजनिक उपक्रमों की, उनका क्या किया जाएगा, एक विनिवेशीकरण किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जो हमने प्रधानमंत्री गति मिशन योजना देखा उसका भी संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से है,
और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का संबंध भी हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो फंड जुटाना है इसका एक मुख्य उद्देश्य है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मध्य एक समन्वय सहयोग स्थापित करना भी एक उद्देश्य है और सामाजिक आर्थिक विकास करना। किन किन क्षेत्रों से पैसा जुटाया जाएगा इस योजना के माध्यम से? सिर्फ 5 सेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे ज्यादा सड़क के माध्यम से 6,00,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं इस योजना के माध्यम से, सबसे ज्यादा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, उसके बाद रेलवे, फिर बिजली, तेल एवं गैस और दूरसंचार। ये 5 प्रमुख सेक्टर है जिनसे 6,00,000 करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य हासिल करना है। कौन से क्षेत्र शामिल है इसमें? केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की परिसंपत्तियां एसेट शामिल है। मंत्रालय जो मिनिस्ट्रीज हैं और सार्वजनिक उपक्रम है उनकी क्या है? परिसंपत्ति एसेट शामिल है। उनको बेचकर उनका मुद्रीकरण करके अवसंरचना के लिए पैसे जुटाया जाएगा। कुल मिलाकर 2022 से 2025 के दौरान 6,00,000 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य हासिल करना है। 23 अगस्त 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोनों ही जो योजना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है और एक कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री गति मिशन योजना है उस मिशन योजना का उद्देश्य पूरे करने का एक ये पूरक योजना हम कह सकते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए कल्याण सिंह निम्नलिखित में से किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ए बी दोनों? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर है डी। कल्याण सिंह राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हैं और एचपी हिमाचल प्रदेश की भी राज्यपाल रहे हैं। तो कल्याण सिंह के बारे में बात करें हम, इनका हाल ही में निधन हुआ और यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 1991-92 के दौरान और दूसरी बार 1997-99 के दौरान। और राजस्थान के राज्यपाल ये 2014 से 2019 तक रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था। और दूसरा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं जनवरी 2015 से अगस्त 2015। तो 2 राज्यों के राज्यपाल गवर्नर रहे हैं। और भाजपा राजनीतिक दल से इनका संबंध रहा है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि कौन किन किन गवर्नर जनरल ने किन किन राज्यपालों ने पूरा कार्यकाल किया है तो पहला नाम इसमें आता है श्री गुरुमुख नियाल सिंह, 1956 से 1962 राजस्थान के प्रथम निर्वाचित गवर्नर, निर्वाचित राज्यपाल श्री गुरुमुख नियाल सिंह। दूसरा नाम आता है श्री संपूर्णानंद, 1962 से 1967। और तीसरा नाम आता है श्री कल्याण सिंह, 2014 से 2019 के दौरान राजस्थान के राज्यपाल है जिन्होंने पूरा कार्यकाल अपना पूरा किया 5 साल का। महिला गवर्नर की बात करें राजस्थान में कौन कौन सी महिला राज्यपाल रही है? तो पहली है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2004 से 2007 के दौरान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी श्रीमती प्रभा राव, 2009-10 के दौरान रही है। तीसरी है श्रीमती मार्गरेट अलवा, 2012 से 2014 के दौरान रही है। तो ये तो बात थी कल्याण सिंह जो हिमाचल प्रदेश राजस्थान के राज्यपाल हैं, यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और पूर्ण कार्यकाल करने वाले एक राज्यपाल हैं राजस्थान के। और इसके अलावा गुरुमुख नियाल सिंह, संपूर्णानंद का भी नाम उनमें शामिल है और महिला राज्यपालों की भी हमने बात की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है चर्चित स्थल, दूसरी तरफ है उससे संबंधित देश। ग्वादर बंदरगाह ईरान, चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो जो ग्वादर बंदरगाह है वो ईरान में नहीं है, वो ईरान में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां अवस्थित है। और ये ग्वादर बंदरगाह न्यूज में, समाचारों में इसलिए रहता है क्योंकि इस बंदरगाह में चाइना ने सीपेक एक प्रोजेक्ट चला रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट चला रखा है, एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसलिए बार बार भारत की सुरक्षा को लेकर एक चौंकना रहने वाली बात है कि कैसे भारत को सतर्क रहना है क्योंकि चाइना भारत को घेरने की नीति लगातार अपनाए हुए है। दूसरा चाबहार बंदरगाह की बात करें तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में है और ईरान के ओमान की खाड़ी के तट पर है।
और चाबहार बंदरगाह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार बंदरगाह में भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी चुनौती या टेंशन वाली बात इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान ने किस तरीके से सत्ता पर काबिज हुए, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि चाबहार बंदरगाह का ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी लिंक है क्योंकि अफगानिस्तान के माध्यम से हम मध्य एशिया और अरब जो देश है उनसे जुड़ने वाले थे, कनेक्टिविटी करने वाले थे। अब वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारत की एक अफगानिस्तान के लिए विदेश नीति होती है। पंजशीर घाटी की बार बार चर्चा आ रही है तो ये अफगानिस्तान में, तो ये एकमात्र है युग्म सही सुमेलित, तो इसका मतलब है बी इसका आंसर होगा। केवल तीन जो है वो सुमेलित है और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है और पंजशीर घाटी की भी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया लेकिन पंजशीर घाटी एक ऐसा एरिया है वहां पर इन्होंने अभी तक कब्जा नहीं किया है पंजशीर घाटी में। हजारा समुदाय समाचारों की सुर्खियों में रहता है। हजारा समुदाय, इस समुदाय की अधिसंख्यक जो आबादी है वो कहां रहती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो हजारा समुदाय की अधिसंख्यक जो आबादी है वो अफगानिस्तान में रहती है। जैसे ही तालिबान ने एंट्री करी सत्ता पर काबिज हुआ तालिबान, उसी तरीके से हम देखते हैं कि हजारा समुदाय के साथ क्या होने शुरू हो गया, अत्याचार होने शुरू हो गए। और हजारा समुदाय जो है वो सिया कम्युनिटी है, मुस्लिम में सिया कम्युनिटी है। और इतिहास में हम देखें कि हजारा कम्युनिटी मंगोल वंश से संबंध रखती है, मंगोल वंश स्पेशली चंगेज खान से संबंध रखती है। तो इनके खिलाफ जो हजारा कम्युनिटी के खिलाफ क्या हुआ है, अब अत्याचार शुरू हो गए और हजारा कम्युनिटी अफगानिस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय मानी जाती है। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश में भी चकमा है और म्यांमार में भी रोहिंग्या शरणार्थी की बात आती है। तो अफगानिस्तान हजारा समुदाय। राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी खुलेगा? जोधपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। तो जयपुर में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी एडवांस ये सेंटर खुलने वाला है। और हम बात करें राजस्थान इनोवेशन मिशन राजीव 2021 के दौरान इन योजना का या इस सेंटर का उद्घाटन किया गया। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021, इसकी थीम है सूचना तकनीक से सुशासन लाना। इसका प्रारंभ 20 अगस्त 2021 को किया गया और इस इवेंट के माध्यम से बहुत सारी राजस्थान सरकार ने स्कीम्स भी लॉन्च की, योजनाएं लॉन्च की, उन स्कीम्स को हम पढ़ते हैं। पहली स्कीम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इस स्कीम्स का उद्देश्य है मेधावी छात्रों के खर्च जो है वो सरकार उठाएगी जब वो विदेश में पढ़ाई करने जाता हो। और इसमें 200 छात्रों का टारगेट रखा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो एक स्कॉलरशिप योजना है, कोई भी छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार हेल्प करेगी, फंड करेगी, पूरा पैसा देगी, 200 छात्रों को का हेल्प करेगी। दूसरी इस योजना के तहत राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में खोली जा रही है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तीसरा एक राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी शुरू किया है, नवाचार के क्षेत्र में जो नई चीजें खोजता है, आविष्कार करता है, पेटेंट करता है, उनके लिए अवार्ड की व्यवस्था है। प्रथम पुरस्कार के लिए 2 करोड़, दूसरे पुरस्कार के लिए 1 करोड़ और तीसरे नंबर वाले के लिए 50 लाख की व्यवस्था। तो ये कुछ प्रमुख स्कीम्स की हमने बात की। हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और ये क्या करेगा स्मोक टावर जो है 1 किलोमीटर के दरमियान जो वायु है उसकी गुणवत्ता की जांच करेगा और उसकी वायु की गुणवत्ता की जांच ही नहीं करेगा, इवन वहां की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम भी ये करेगा। और इस टेक्नोलॉजी को जो है वो यूएसए अमेरिका से आयात किया गया है। तो पहला स्मोक टावर नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। पैरालंपिक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत के 54 खिलाड़ी
9 स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे पैरालंपिक 2021 में। इसका आयोजन टोक्यो में होगा। कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। उपरोक्त सभी सत्य है, तो उपरोक्त सभी सत्य है। भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पोर्ट्स में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भारत का। टोक्यो में इसका आयोजन होगा, जैसे ओलंपिक 2021 का आयोजन भी टोक्यो में हुआ, ठीक है। और कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और पैरालंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 रोम में मानी जाती है, 1960 रोम से हुई। और सामान्य जो ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी, एथेंस से हुई थी। और पैरालंपिक जो खेल है, पैरालंपिक खेल है शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का एक बहुआयामी खेल प्रतियोगिता है। और भारत ने 1968 के तेल अवीव में पहली बार भाग लिया था। और भारत के प्रदर्शन की बात करें पैरालंपिक गेम में अब तक, तो कुल 12 पदक भारत ने जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, कुल 12 पदक जीते हैं। और मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के पैरालंपिक में तैराकी में गोल्ड मेडल जीता, और पहले खिलाड़ी बने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुरलीकांत पेटकर। दूसरा नाम आता है देवेंद्र जाजड़िया, भाला फेंक पैरालंपिक खिलाड़ी है, भाला फेंक, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले, 2 स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र पैरालंपिक खिलाड़ी है। और इनका संबंध जो है वो राजस्थान से भी है। तीसरा नाम आता है दीपा मलिक का, इन्होंने पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। और ऐसा करने वाली वह पैरालंपिक खेल में भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है दीपा मलिक। और दीपा मलिक जो हाल फिलहाल में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी है दीपा मलिक। और दीपा मलिक जो है बहुत सारे खेल खेलती है, ठीक है, जैसे एथलीट्स का खेल हो गया, तैराकी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र राजस्थान के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में योगदान जो एग्रीकल्चर का है 29.77% रहा। प्रचलित मुख्य कीमतों पर 29.77% योगदान रहा सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 271.33 लाख टन हुआ वर्ष 2020-21 में। और तीसरी स्टेटमेंट है स्थिर मूल्य जो 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, वर्ष 2020 में 3.45 की वृद्धि हुई स्थिर मूल्यों पर एग्रीकल्चर में, 3.45 की वृद्धि 2020-21 में हुई। तो इस संदर्भ में कौन सा कूट जो है वो सही है, अगर प्रश्न में तीनों स्टेटमेंट को हम पढ़ें तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। 29.77% का सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का प्रचलित कीमतों के आधार पर योगदान है, 271.33 लाख टन का कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 2020-21 में। 2019-20 की तुलना में ये उत्पादन जो है 2% से ज्यादा है। और स्थिर मूल्यों पर अगर बात करें 2019-20 की तुलना में 2020-21 में, तो 3.45% की ग्रोथ एग्रीकल्चर में हुई है। और एग्रीकल्चर कोविड के दौरान एकमात्र ऐसा आर्थिक क्षेत्र है जिसने ग्रोथ हासिल की है, वृद्धि हासिल की है। और बाकी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, ऋणात्मक ग्रोथ में चले गए। एकमात्र ये सेक्टर है जिसने कोविड के दौरान भी वृद्धि की है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की स्थिर कीमतों पर कितना योगदान है, स्थिर कीमतों पर 29.45% का योगदान है, 29.45% का योगदान है जीएसवीए में, यानी कि राज्य सकल मूल्य वर्धन में। और 1.77 लाख करोड़ अगर वैल्यू में मापें, मूल्यों में मापें, तो 1.77 लाख करोड़ का कुल स्थिर मूल्य है एग्रीकल्चर का, और 29.45 का योगदान है। और प्रचलित कीमतों पर हमने बात करी है 29.77%, लगभग समान सा है,
ठीक है, लेकिन प्रचलित मूल्यों पर थोड़ा ज्यादा है। लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 30% प्रचलित कीमतों पर आ जाता है अगर राउंड फिगर में निकालें, और 29.5% के लगभग स्थिर कीमतों पर आ जाता है। और 2.68 लाख करोड़ वैल्यूज में 2.68 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र का योगदान है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें 2015-16 को आधार मानते हुए, 2015-16 से 2020-21 में देखें तो स्थिर कीमतों पर एग्रीकल्चर ने 5.26% की ग्रोथ की, 5.26% की ग्रोथ की है। प्रचलित कीमतों पर 9.81% की ग्रोथ की है एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और 2019-20 की तुलना में अगर हम बात करें 2020-21 में एग्रीकल्चर का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन में GSVM में जो है योगदान जो है वो ज्यादा हुआ है, योगदान जो है वो ज्यादा हुआ है, प्लस में हुआ है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें हमें याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भू उपयोग सांख्यिकी 2018-19 राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है के अनुसार निम्नलिखित में से किस भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भूमि, बंजर भूमि, वानिकी, उत्सर्ग तथा कृषि अयोग्य भूमि। तो इस हिसाब से जो है भू उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के हिसाब से शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है राजस्थान में 51.85% जो एग्रीकल्चर में भूमि का उपयोग होता है। अगर इनके संदर्भ में कुछ तथ्य पढ़े तो राजस्थान में कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल की बात करें, कुछ कुल रिकॉर्डेड क्षेत्रफल एरियाज की बात करें तो 342.87 लाख हेक्टेयर भूमि है। और इस हेक्टेयर भूमि का किस तरीके से यूज होता है, भूमि के उपयोग की बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इस भूमि में 51.85% है। दूसरे नंबर पर बंजर भूमि आती है, बंजर भूमि आती है जिसका 11.04% का योगदान है। और तीसरे नंबर पर ये भी इंपोर्टेंट काफी वानिकी, वानिकी आती है जिसका 8.05% का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल में योगदान है, भूमि उपयोग होता है। और चौथे नंबर पर उत्सर्ग तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.95%। तो हमें याद रखना है सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है और वानिकी का जो योगदान है वो 8.05% है। कुछ रिवीजन करते हैं और इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न है वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का GSVA सकल राज्य मूल्य वर्धन ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में योगदान कम हुआ है, सत्य है या असत्य? दूसरा है कृषि एवं संबंध क्षेत्र में केवल फसलें व पशुधन आता है, सत्य या असत्य? इसकी हालांकि हमने क्लास में बात नहीं की लेकिन आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसका जवाब देना है। तीसरा है ग्वादर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो हमने 10 महत्वपूर्ण सवालों पर बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।